काम करने से पहले मुझे काम करना होगा क्या? यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा कचरा जैसा हो चुका है, हालांकि सारा इम्पोर्टेंट काम है। तो गाइस इस वक्त हमने केबिन को एकदम मस्त सफाई कर लिया है और इस वक्त बिल्कुल भी मैंने एक चश्मा मुझे मिला इसमें से, क्या बोलते हैं, इस झोले से। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो? तो इस वक्त गोवा के साइड पे आ चुके हैं और काम स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त मैं दोपहर से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैं कुछ और काम में व्यस्त था। और हालांकि मैं एक और लोकेशन पे गया था मॉर्निंग में, तो वहाँ पे मैंने एक ब्लॉग शूट कर ली, तो मॉर्निंग में कुछ ऐसा गुजरा। ठीक है, तो इस वक्त पीछे जो क्रेन दिख रहे हो, इस क्रेन पे हम जाने वाले हैं और बाकी के काम जो होगा वो सारे काम की जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। और यहाँ की जो वाइब है, यहाँ की जो लोकेशन है, वाकई में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि है गोवा ही, तो देख लो यहाँ से इस साइड में देख सकते हो कितने सारे घर हैं, दिख रही हैं। मैं 2x में जूम कर देता हूँ। ये सारा का सारा घर है और छोटी छोटी बिल्डिंगे हैं जो कि पहाड़ जैसा एरिया दिख रहा है उस साइड में भी, और इस साइड में भी देखते हो तो यहाँ भी पहाड़ी है। यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, पहाड़ है, टावर है, मतलब भाई गोवा है मालूम पड़ रहा है। और यहाँ पे भी पता नहीं किस प्रकार का एक बिल्डिंग नज़र आ रहा है, ये गोल सा टावर भी है बड़ा अमेजिंग। इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में समुद्र भी है, यहाँ पे देख लो, ये टोटल सिया है बीच समुद्र। यहाँ पे लोग जाते हैं आते हैं काफ़ी सारे लोग। और यहाँ पे मैं भी कल के दिन गया था शाम के टाइम में और सुबह में भी गया था इसी साइड में। चलते हैं क्रेन पे, क्या काम कर सकते हैं वो सारी काम देखते हैं। और मैं पहले गोवा में ही था लेकिन अभी इस वक्त गोवा में वापस आया हूँ लगभग 7th month के बाद। तो क्रेन पे चलते हैं, काम वगैरह कर लेते हैं, जो काम रहेगा वो काम करेंगे और काम की जानकारी देंगे। तो इस वक्त क्रेन में आ चुके हैं, ठीक है। और क्रेन पे क्या कुछ चल रहा है? क्रेन भाई पहले से बहुत ही ज़्यादा बुरे कंडीशन में हो गया है इस वक्त, हालांकि उतने भी नहीं थे लेकिन अभी ज़्यादा हो गया है, गंदा भी हो गया है और कह सकते हो वाकई में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग भी दिख रहा है भाई। बारिश हुआ है और जंग भी बहुत ज़्यादा लग गया है इस चीज़ में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा दूँ, वहाँ पर देख लो यहाँ कोने पर पानी चूने जैसा कुछ निशान दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो ज़रूर से हुई है। और ये कुर्सी है अपना, कुर्सी टूट गया है, छिल चुका है, देख सकते हैं इस साइड में, यानी कि थोड़ा सा ख़राब जैसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं दाग जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी गड़बड़ है। और ये है यहाँ पे मतलब खड़ा होकर अंदर आने वाला सिस्टम, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। ये सारा पता नहीं बहुत ज़्यादा पुराना देखने लग गया है क्रेन, यानी कि जब क्रेन खुलेगा तो इसे पेंटिंग के लिए दिया जाएगा बहुत ही अच्छे खासे से बनाने के लिए, तब जाके ये बहुत ही अच्छा खासा बन पाएगा, वरना कंडीशन तो ऐसे ही ख़राब दिख रहा है। ये ऐसी है, ऐसे भी बहुत बुरा लग रहा है, हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। तो इसमें मरम्मत का काम होगा तो ही बात बनेगा, वरना मुश्किल ही है, मैक्सिमम 1-2 साल चल पाएगा ट्रेन। इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, तो मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। जब क्रेन खुलेगा तब इसमें सारी काम की मतलब सफाई वगैरह अच्छे से किया जाएगा, जहाँ जंग लग गया उससे बराबर किया जाएगा। हालांकि उतना प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े थोड़े कहीं कहीं मिस्टेक देखने को मिल रहे हैं, ये सारा बिल्कुल भी बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ से वाइब देख लो, कितनी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पे। और यहाँ से भी देख लो, है ना। तो ये चीज़ें हैं गोवा में, यहाँ पर चारों तरफ से ठीक इस तरीके के लोकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लो, है ना, अमेजिंग सा लोकेशन। यहाँ पे घुमाते हैं, यहाँ बीचेस हैं, तमाम तरह के लोकेशन है गाइस यहाँ पे। तो अभी तो ये बस शुरुआत है और तमाम तरह के लोकेशन पे अगर घूमने जाऊँगा तो लोकल बीचेस और तमाम तरह के जो भी लोकेशन रहेगा वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा आप सभी को। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा काम वगैरह चेक कर लेते हैं, सब कुछ प्रॉपर काम कर भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है। काम करने से पहले मुझे काम करना होगा क्या? यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा कचरा जैसा हो चुका है,
हालांकि सारा इम्पोर्टेंट काम है, मैंने हेलमेट जैकेट साइड में रखा है और यहाँ पे हम इसे साइड करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ काम का है क्या कुछ काम का नहीं है। जो काम का रहेगा वो बाहर रहेगा, जो बिना काम का रहेगा ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, तो इस वक्त मैं इसे छांट लेता हूँ, यानी कि इसमें चेक कर लेता हूँ कौन कौन सा काम का है कौन कौन बिना काम का है। तो इसमें ये सेफ्टी बेल्ट है, ठीक है, सेफ्टी बेल्ट, और ये बेहद ही ज़्यादा गंदा हो गया है तो इसे हम साइड कर देंगे और इसे मैं नीचे भेज दूंगा, या फिर उतनी ख़राब नहीं हुई है लेकिन ख़राब जैसे लग भी रहे हैं। तो इसे मैं इस वक्त मोड़ लेता हूँ और केबिन में ज़्यादा कचरा करना सही नहीं है तो इसे साइड करते हैं। एक और नया बेल्ट है, हालांकि ये किस टाइप का बेल्ट है समझ में नहीं आ रहा, ये गड़बड़ है क्या है क्या समझ में नहीं आ रहा, तो इसे भी हम करते हैं साइड में। और इस वक्त ये चेक करना पड़ेगा क्या क्या काम का है क्या क्या नहीं है। तो इस वक्त मुझे मिल चुका है एक चश्मा, तो थोड़ा चश्मा ट्राई कर लेते हैं कैसा लग रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो इस वक्त थोड़ा पहन लेते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा हूँ। तो इस वक्त केबल वगैरह चेक कर लेते हैं कौन कौन सा केबल है, केबल सही है। और इस वक्त यहाँ पे देख सकते हो और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये पाना है क्रेन का, ये क्या है, ये केबल के लिए है ताकि केबल में फिक्स रहे, पाना है तमाम तरह के, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसे मैं सफाई कर लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, और इसे क्लीन करके रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इस वक्त चश्मा खोल देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा, तो ये सारी मुझे सफाई करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो सफाई कर लेते हैं फिर बातें करते हैं। हाँ, तो गाइस इस वक्त हमने केबिन को एकदम मस्त सफाई कर लिया है और इस वक्त बिल्कुल भी मैंने एक चश्मा मुझे मिला इसमें से क्या बोलते हैं इस झोले से, तो उससे निकालने के बाद मैंने पहन लिया बिल्कुल भी, और फिर पूरा का पूरा हमने सफाई कर लिए हैं। और इस वक्त यहाँ से हवा बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो इसे मैं खोल देता हूँ और इसमें सुनाई दे रहा होगा हवा या फिर ग्राइंडिंग का आवाज़ जरूर से सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ग्राइंडिंग नीचे कोई बहुत ही ज़्यादा चला रहा है। ठीक है, ग्राइंडिंग कर रहा है क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ तो हो रहा है। आज मेरा दूसरा दिन है समझ लो, अगर काम के मामले में देखा जाए तो दूसरा दिन हो चुका है। पहले दिन मैं आया थोड़ा बहुत काम किया और दूसरे दिन आज मॉर्निंग में थोड़ा सा सिग्नल दिया और इस वक्त मैं क्रेन पे आ चुका हूँ। तो ये थोड़ा गर्मी से मुझे लग रहा सही नहीं दिख रहा है, इस वक्त मैं खोल देता हूँ और कैसा लग रहा हूँ कॉमेंट करना। और इस वक्त मैं गोवा हूँ, मैं हूँ और गोवा की सारी तमाम ब्लॉग देखने को मिलेंगी। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा क्रेन को दूसरे डायरेक्शन में घुमा लेता हूँ और फिर बाकी की बातें करते हैं। तो सफाई हमने पूरी से कर ली है, तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ क्या क्या हमने किया है क्या क्या हमने किया है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें ढक दी है ताकि गंदा ना हो, और यहाँ पे काम की चीज़ें सेफ्टी बेल्ट, ग्राइंडर और कुछ चीज़ें हैं हथौड़े वगैरह, वो सारे हमने यहाँ पे रख दिए हैं। तो देख लो गाइस इधर की लोकेशन कितनी अच्छी है ना, खूबसूरत सा, वाव, ये सारी चीज़ें यहीं पे देखने को मिलेंगे और इस साइड से ये देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस इस वक्त बिल्कुल भी 6:30 होने को जा रहे हैं शाम के, ठीक है, और बैटरी भी बिल्कुल भी डाउन हो चुका है। पहला दिन है, हमने कुछ भी सुविधाएं नहीं लगाई है, यानी कि चार्जर तक भी नहीं लाया, ठीक है। तो शाम होने को जा रहा है, शायद से क्वालिटी नहीं आ रहा होगा या नहीं मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं बैक कैमरे से बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देख लो यहाँ पे, लो जी रिकॉर्ड करते करते वहाँ पे एक सूरज था, जो सूरज जो है उस साइड में डूबता है, यानी कि पश्चिम उस साइड में, ठीक है, समुद्र है उस साइड, रुको आप सभी को दिखाता हूँ। लेकिन सूरज उधर डूब गया तुरंत भर में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 20 सेकंड मैक्सिमम मुझे चालू करने में लगे और आपसे भी बात करने में लगे, अचानक से डूब गया। तो देख लो भाई मोबाइल भी इस वक्त जवाब देने को जा रहा है, इस वक्त यानी कि शाम हो चुका है, पॉइंट ऑफ व्यू है यहीं पे, और इस वक्त देख लो कैसा सीन देखने को मिल रहा है आपको, ये समुद्र ही है और थोड़ा बादल किया हुआ है और इस वक्त बिल्कुल भी शाम हो चुका है। इसके लिए कह सकते हो भाई साहब बहुत चीज मिस हो जाता है, क्योंकि दिन में इतनी मस्त लोकेशन दिख रही थी, और यहाँ से कैसिनो वगैरह भी दिखता है जो यहाँ पे बोट वगैरह घूम रही है, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक नाव है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो, अमेजिंग यार,
बहुत सारा लोकेशन है जो यहाँ से दिखाई देता है, लेकिन हम जब भी फ्री होंगे वहां पे जरूर से जाएंगे और वो सारी चीजें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां पे क्या क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे गोवा में देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चलो इस साइड की वाइब दिखाते हैं। तो इस साइड में बिल्कुल भी शाम हो चुका है ना, तो ऐसा कुछ लोकेशन देखने को मिलता है, बहुत ही अमेजिंग है यार। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब हम कुछ देर में नीचे उतरने वाले हैं, तो क्योंकि नीचे हम रिकॉर्ड ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, जिसके लिए मुझे यहीं पे इस वीडियो को एंड करना होगा। और अगली वीडियो में और भी नई चीजों पे हम जाने वाले हैं, तो वहां की वीडियो देने की कोशिश करें। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर से किया कीजिए, क्योंकि आपके भाई को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सपोर्ट इसी तरीके से आप कर सकते हो, तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।